इधर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। शहर में पहली बार निकाली जा रही जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बंसल न्यूज से बातचीत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, इससे जनता का जुड़ाव धार्मिक आस्था से बना रहता है। एकादशी का त्यौहार है और पहली बार शहर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब मौजूद हैं। तोमर साहब, आज पहली बार यात्रा निकाली जा रही है जगन्नाथ जी की, कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ जगन्नाथ जी की यात्रा का प्रथम आयोजन है, ये बहुत ही भव्य, प्रभावी और प्रेरणादायी आयोजन हमारे शहर के लिए रहेगा। इस आयोजन से जुड़े हमारे जितने भी बंधु हैं, मैं उन सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, आयोजन के लिए हृदय से उन्होंने धन्यवाद दिया है। और ये पहला मौका है जब इस प्रकार से बड़ा जो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं। नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से विशेष रथ मंगाया गया, जिस तरह से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है वैसे ही ग्वालियर में ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस्कॉन के सहयोग से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए जो टेंपल से जुड़े हुए जो पुजारीगण हैं, जो भक्तगण हैं, वो हमें इस रथ पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। और कुछ ही समय में ये रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी और जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए इसका समापन होगा। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।